नहीं 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 प्रोफेसर साहब दो अब आपने डालनी है ये वाली तो बिल्कुल नहीं जाएगी ये देखें आप मतलब भाई ए नहीं गई 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 नहीं गई नहीं, नहीं गई चले कोई नहीं दो तो चली गई है ना चलें मेरी बारी अब दिखाऊं मैं आपको कैसे करते हैं नहीं जाएगी हो नहीं जाएगी <laughs> नहीं गई ओह ये अब सिर्फ ये, आपकी वजह से हो रहा है जी। आ, ये तो ओहो अच्छा आपने दो डाली थी ना हाँ जी ये नहीं जाएगी बराबर तो हो जाएगा ओहो मुदब्बर भाई मैं जीत गया गेम में मेरे से कोई नहीं जीत सकता ठीक है प्रोफेसर साहब अगली दफा देखेंगे अगली दफा देखेंगे चले देखते हैं अभी प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं मैं भी ये आपसे कहने वाला था दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया यहाँ खुला है इल्म का रास्ता देखो आके खोलो पूछ के देखो पूछ के जानो दिल में क्या है बोलो इल्म बढ़ाना मेरा यार रब रब्बे जिदनी इल्मा रब्बे जिदनी इल्मा रब्बे जिदनी इल्मा रब्बे जिदनी इल्मा वालेकुम रहमतुल्लाह प्यारे बच्चों मैं हूँ आपका मुदब्बर भाई और आज हम फिर आपके पास आए हैं आपका प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है बच्चों की दुनिया और हमारे साथ आज भी हैं आपके प्रोफेसर भोला वालेकुम बच्चों जी तो बच्चों आज मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने और मुदब्बर भाई ने एक गेम खेली है और मैं जीत गया बात तो ठीक कह है रहे हैं बच्चों प्रोफेसर साहब आ, हमने गेम खेली थी जिसमें दोनों को गेंदे अंदर फेंकनी थी एक बास्केट के अंदर प्रोफेसर साहब ने वाकई दो गेंदे अंदर फेंक ली मेरी सिर्फ एक अंदर गई इसलिए प्रोफेसर साहब आज मुझसे जीत गए हैं हाँ 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 भाई आपको अभी प्रैक्टिस चाहिए मैंने तो इस गेम में डॉक्टर बबलू को कभी नहीं जीतने दिया अच्छा तो आप ये गेम डॉक्टर बबलू के साथ भी खेला करते थे हाँ जी बिल्कुल मुदब्बर भाई आपको पता है एक दफा क्या हुआ लेकिन ये बात आपने डॉक्टर बबलू को नहीं बतानी अच्छा अच्छा नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे लेकिन हमें तो बताया एक दफा मैं और डॉक्टर बबलू यही वाली गेम खेल रहे थे मैंने गेंद फेंकी और वो गेंद इस बास्केट के ऊपर से टकराकर डॉक्टर बबलू के मुंह पर लग गई चले खैर खेल कूद में कभी कभी छोटी छोटी चोटें तो ही जाती है ना ये तो होता ही रहता है अच्छा मुझे ख्याल आया डॉक्टर बबलू ने तो अपनी एक नई वीडियो भेजी है और मैंने देखी काफी अच्छी वीडियो वीडियो है भाई ये अच्छा नहीं किया आपने कि अकेले अकेले वीडियो देख ली अरे अरे प्रोफेसर परेशान ना हो मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी जरा सी खोल के देखी थी थोड़ा सा देखा है हम मिलके सबके साथ देखेंगे पूरी वीडियो डॉक्टर बबलू की अब ऐसा करते हैं हम पहले सवाल की तरफ चलें जी जी बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आय जवेद है और मैं में रहती को वाकई नहीं पताबा और अस्तफारोफेसर साहब अच्छा सवाल है और तोबा और तो बड़ी मिलती जुलती सी चीजें हैं ना बच्चों को वाकई समझ में नहीं आती होगी इसीलिए पूछा है उन्होंने मुतबर भाई इसका जवाब तो बहुत आसान है अच्छा, तो आप बताएं क्या फ़र्क है तोबा का लफ्ज चार हरूफ से लिखा जाता है यानी के ते वे और हे और इसतफार का लफ्ज़ सात हरूफ से लिखा जाता है यानी अलिफ सीन ते गलिफ और रे है ना बहुत बड़ा फ़र्क प्रोफेसर साहेब अब आपने की ना भोलाई भाली सी बात अपने नाम की तरह बच्चे ये पूछ रहे हैं कि इसफफ़ार के मतलब में और तौबा के मतलब में क्या फ़र्क है यानी इसतफ़ार किसको कहते हैं और तौबा किसे कहते हैं वो ये फ़र्क जानना चाह रहे हैं मेरा ख़्याल है हम इस सवाल के लिए अब चलते हैं फातह और ज़की के पास और देखते हैं कि फ़ात और ज़की को पता है कि इसतफ़ार और तौबा में क्या फ़र्क है दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया यहाँ खुला है इल्म का रास्ता देखो आके खोलो पूछ के देखो पूछ के जानो दिल में क्या है बोलो भाई मेरे जिम्मे एक सवाल आया है जी जकी पूछो भाई तोबा और में क्या फर्क है जकी तो बहुत ही अच्छा सवाल है चलो आपको चढ़ के बताता हूँ जखी क्या आपको दरख्त नज़र आ रहा है जी भाई अगर ये दरख़त ज़मीन में से निकल जाए और ज़मीन में से पानी और वो अपनी खुराक के लेने के काबिल ना हो तो वो खुश्क हो जाएगा यही हाल इंसान के साथ भी है अगर इंसान के दिल में से अल्लाह ताला की मोहब्बत निकल जाए तो वो इस पौधे की तरह उसका दिल खुश्क हो जाएगा यानी मुर्दा और फिर फिर वो गुनाह करने लगता है। अच्छा भाई, फिर हमें अपने दिल में खुदा ताला की मोहब्बत दो तरीके बताए कौनसी तरीके हैं नंबर एक अस्तवार और नंबर दो तोबा क्या मतलब भाई देखो जकी अगर हमसे कोई गुनाह हो तो हमें सबसे पहले अल्लाह करना चाहिए अल्लाह मेरे से ये गलती हुई है यानी ये गुनाह हुआ है तो मुझे माफ़ कर दे, मैं से माफी मांगता हूँ और फिर ये इरादा रखना कि आगे जिंदगी में ये कभी भी नहीं करना ये गुनाह इससे तोबा कहलाते हैं अच्छा पर ये मतलब है जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हमें तोबा और इस्तार करना चाहिए नहीं जकी देखो शैतान का कम ये है कि वो हमें गंदे कामों के दर खेलता है और शैतान के हम से बचने के लिए हमें हमेशा तोबा और इस्तार करना चाहिए क्या मतलब हाई चलो मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ देखो जकी हर वक्त इसतार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान के अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो गुनाह करने लगता है इसतफार के जरिए हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं कि जो हमारी कमजोरी की वजह से गुनाह होते हैं कि वो ना हों भाई हमें तोबा और इस्तार के लिए और क्या करना चाहिए झकी हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी तोबा और इस्तार सिर्फ ज़ुबान की हद तक ना हो बल्कि हम अपने अमाल से भी अल्लाह को बता दें कि हमने सच्चे दिल से तोबा की है भाई हम अपने अमाल से अल्ला मियाँ को कैसे बता सकते हैं कि हमने तोबा और इस्तार सच्चे दिल से कर ली है देखो जकी अगर किसी से नमाज छूट जाए और वह फिर बाद में सच्चे दिल से इस्तवार तबा करें तो उसे सिर्फ अपनी ज़ुबान से नहीं तोबा करनी चाहिए यानी अल्लाह तक को अपने अमाल से भी दिखाना चाहिए कि उसने सच्चे दिल से तोबा और इस्तार की है उससे फिर बाकायदा हमेशा नमाज अदा करनी चाहिए इसी तरह से अगर कोई झूठ बोलता है औरबा करे अल्लाह तला से कि वो आगे से कभी भी नहीं छूट पोलेगा तो अल्लाह तुमाना चाहिए की वो वाकई आगे से कभी नहीं झूठ बोलेगा इसे कहते हैं सच्ची तोबा भाई जल्ला आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से बता दिया है की तोबा इसका मतलब है जकी आ गई है तो बहुत अच्छी बात है चलो अब नमाज का वक्त हो गया है चलते हैं जजाक ला और जकीिया आपने बहुत ही मुश्किल सवाल को कितनी अच्छी तरह हमें समझा दिया है कि इस और तोबा में क्या फ़र्क है अब मेरा ख्याल है कि हमारे बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब है ना? ये सारी बातें तो मुझे भी पता थी मुद्बर भाई लेकिन मैं समझ रहा था कि इतनी मुश्किल बातें हमारे बच्चों को समझ नहीं आएंगी लेकिन आसान लफ्सों में उनको फ़र्क समझ आ गई जी जी हमारे बच्चे तो बहुत जहीन है प्रोफेसर साहब अच्छा मतलब के मामले में बच्चों की दुनिया के सारे बच्चे प्रोफेसर भोला की तरह हैं अरे प्रोफेसर साहब आपसे तो किसी का कोई मुकाबला ही नहीं है वैसे भाई आज आपने कुछ इल्मी बातें हमसे नहीं करनी भाई आपको तो पता है इल्म हासिल करने का मुझे बहुत शौक है रोजाना कोई ना कोई बात मैं सीखता हूँ जी जी प्रोफेसर साहब तो फिर बताइए ना आपको कोई तो आपने आजकल किस बारे में तहकी की है जी मुदफ़र भाई दो दिन पहले मैंने सोचा कि खरगोश ले तो आया हूँ लेकिन इनके बारे में कुछ मुझे पता नहीं है वैसे ये देखें सोना तो पिंजरे में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मोना कहाँ गई है मोना का तो आपको पता ही है मोना अपने घर से निकल जाती है भाग जाती है और फिर पूरे आपके बगीचे में फिरती रहती है Hmm, अच्छा, तो ये मामला है जी बिल्कुल अभी अभी निकल के भागी है और अभी सामने से गुजरी थी अब पता नहीं कहाँ चली गई है मैंने इधर उधर देखा था थोड़ा अब नजर नहीं आ रही अच्छा चले बहर मुदब्बर भाई खरगोश ना एक मासूम और पालतू जानवर है लेकिन ये थोड़ा सा डरपोक भी होता है आपको एक हैरानगी वाली बात बताऊं? जी जी बताएं। कि खरगोश वो वाद जानवर है जो अक्सर आंख खोल के सोता है अच्छा मैंने अक्सर देखा है ये सोना और मोना को हमारे प्रोग्राम के दौरान भी इनकी आंखें खुली होती हैं लेकिन ये बिल्कुल लेटे होते हैं और इनको पता भी नहीं चल रहा होता इनको थोड़ा सा छेड़े भी तो एकदम चौंक के उठते हैं तो मेरा ख्याल है उस वक्त भी ये कभी सो जाते हैं जी बिल्कुल और एक और मज़े की बात यह है कि खरगोश खाने में सब्जी और फल वगैरह पसंद करते हैं और गाजर तो इनको बहुत ज्यादा पसंद है और ये भागने दौड़ने और जंप लगाने में अपनी पिछली टांगों का इस्तेमाल करते हैं हम्म मैंने देखा था ये जिस तरह मोना भी निकल के भागी थी इसी तरह छलांग मार के ऊपर से निकल जाती है ये जी बिल्कुल और ये जो हमारा सोना है ये जरा सा सुस्त जानवर है ना ये नहीं निकलता ये छलांग नहीं मारता ये हां स... हा, बिल्कुल मुद्दफर भाई असल में ना जो सोना है ये बहुत पेटू है <laughs> यानी खाता पीता रहता है हर वक्त हाँ जी बिल्कुल तो इसलिए आराम करने का दिल चाहता है इसका ज्यादा और छलांगे मारने का कम अच्छा प्रोफेसर साहब अब हम ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि और सवाल क्या है इतनी देर में यकीनन मोना भी आ जाएगी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मेरा नाम याहिया खान है और मैं लंदन में रहता हूँ मेरा सवाल है हज और उम्र में क्या फ़र्क है मुदब्बर भाई लगता है कि आज बच्चे हर चीज़ के फ़र्क के बारे में जानना चाहते हैं पहले तोबा और इस्तवार के फ़र्क के बारे में सवाल किया और अब उम्र और हज के फ़र्क के बारे में जानना चाहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है ना प्रोफेसर साहब इस तरह जब दो मिलती जुलती चीज़ों के सवाल पे सवाल करें तो फिर इल्म में बहुत इजाफा होता है बड़ा अच्छा सवाल किया है इन्होंने आप बताएं आपको इन बातों को आप समझा सकते हैं कि उम्र और हज में क्या फ़र्क है मुदब्बर भाई इसका जवाब तो बहुत आसान है उम्र और हज में ये फ़र्क है कि प्रोफेसर साहब अब ये ना कहिएगा कि हम हज हे और जीम से लिखते हैं और उम्र हम एन मीम और रे से लिखते हैं और अब इस जवाब में गलत क्या है मुदब्बर भाई गलत तो नहीं है लेकिन बच्चों ने यह फ़र्क नहीं जानना होता कि कोई चीज़ किस तरह लिखते हैं बल्कि वो ये जानना चाहते हैं कि उम्र किस को कहते हैं और हज किस को कहते हैं यानी उसके मानी में क्या फ़र्क है चले फिर आप ही बता दें मेरा ख़्याल है मैं नहीं बताता मैं तो चाहता हूँ कि हम ये सवाल माया से करें और अजीज़ा माया हमें यह बताएंगी कि हुजूर ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है प्यारे बच्चों, यह सवाल मेरे भी जहन में आया था इस सवाल का जवाब फिर मुझे हजूर की बच्चों के साथ एक क्लास में मिला था तो आए बच्चों मिलके प्यारे हजूर का जवाब सुनते हैं प्यारे हजूर मेरा क्वेश्चन है कि और हज का डिफरेंस क्या हज हाँ तो ख़ास मखसूस दिनों में होता है ठीक है हाँ हज तो ईद जो आज की ईद होती है है? वो तो हज के महीने में ही होता है ना हज ठीक है तो उम्र जो है तुम सारे साल में कर सकते हो ठीक है ठीक है हज का सवाल ज़्यादा है सुवाब ज़्यादा है और उम्र का भी स्वाब है बाहर तुम जाते हो लेकिन हज एक लाजमी फ़र्ज़ है उम्र जो एक नफल है अगर लेकिन लाजमी भी इस तरह है कि तो मे अरकान इस्लाम आते हैं ना क्या है कलमा तेबाबाजान नहीं नमाज रमजान तो कोई नहीं है अपनी बुनालिया उन्हें <laughs> नमाज रोज़ा बुनियादी चीज़ें हैं और उम्र एक ज़ायद नफल नहीं है आज पे लाखों लोग आए होते हैं इसलिए वो लोग जो बीमार हों बूढ़े हों और जिनको किसी किस्म का फोपिया होता है नाज़ रश की जगह से वो फिर उम्र कर लेते हैं कहते हैं हाज नहीं उम्र से होता तो बच्चों आपने हजूर की बातें गौर से सुनी है ना आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया चलते हैं वापस मुदबर भाई के पास जजाक माया कि आपने हमारे प्यारे हुजूर का जवाब हम तक पहुंचाया है हुजूर के अल्फाज में पहुंचाया है और हुजूर ने बहुत आसान करके हमें समझा दिया है बच्चों आपको भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा यकीनन कि हज और उम्र में क्या फ़र्क है जी बिल्कुल मुदब्बर भाई हजूर ने यह फरमाया है कि हज के दिन मखसूस होते हैं और उम्र जो है किसी भी वक्त किया जा सकता है बिल्कुल और एक फ़र्क जो हज़ूर ने मज़ीद बताया है वो ये है कि हज तो अरकान इस्लाम में से है ना यानी एक फ़र्ज़ इबादत है मुसलमानों पर और उम्र अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ नहीं किया वो हर कोई अपनी मर्ज़ी से अगर तोफ़ी मिले तो कर सकता है अच्छा प्रोफेसर साहब ये सवाल तो यहाँ ख़त्म हो गया जवाब हमें मिल गया मैं ये सोच रहा था कि आज आपने हमें कोई लतीफा नहीं सुनाया मुदबर भाई लतीफे तो हर वक्त तैयार होते हैं आप बस हुक्म करें चलें फिर जल्दी से सुना दें। अच्छा मुदबर भाई तो सुने पप्पू की अम्मी ने पप्पू से कहा कि अलमारी का दरवाजा ना खोलना जिन आ जाएगा अच्छा फिर पप्पू ने कहा कि फिर फल और चॉकलेट भी वही खाता होगा आप इसे... ऐसे ही मेरा नाम लगा लेती हैं <laughs> <laughs> प्रोफेसर साहब मेरा ख्याल है बच्चों आपको प्रोफेसर साहब के लतीफ़े तो अच्छे ही लगते होंगे है ना अच्छे अच्छे लतीफ़े सुनाते हैं आप प्रोफेसर साहब वाकई मान गए आपको लतीफ़ों के मामले में जैकल मुदब्बर भाई मुदब्बर भाई ज़रा घड़ी की तरफ भी नज़र डालें वक्त बहुत हो गया है आपने हमारी डॉक्टर बबलू की वीडियो नहीं दिखाई जी जी आपने सही कहा वक्त तो वाकई काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो बच्चों हम चलते हैं डॉक्टर बबलू आपको पता है कि पूरे यूरोप की सैर कर रहे हैं और मुख्तलि शहरों में और मुल्कों में जाते हैं और हमें भी बताते हैं कि वो वहाँ क्या क्या देख रहे हैं और ये शहर और मुल्क कैसा है और ख़ास ख़ास जगह कैसी हैं तो अब हम देखते हैं कि डॉक्टर बबलू आज कहाँ गए हैं और नई नई वीडियो जो उन्होंने भेजी है उसमें कहाँ की सैरें हो रही हैं जमीन आसमान है, है।, है खुदा का सब जहान है जमीन आसमान है खुदा का सब जहान है ये बस्तियाँ ये रास्ते हैं सब हमारे वासते जमीन आसमान सर से भी मारूंगा सब है जमीन आसमान है वालेकुम बचकन आपको तो पता है कि मैं कितना बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी हूँ मुझे डॉक्टर बाब नालदो भी कहते हैं और जहाँ मैं आज आया हूँ वहाँ जर्मनी का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब है मैं भी वहाँ जाऊँगा और साथ फुटबॉल खेलूंगा गोल 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 Cool. अरे हाँ मैं तो बताना भूल गया हूँ कि मैं आज जर्मनी के शहर मुंशन में हूँ मुंशन जर्मनी के नीचे वाले हिस्से में है मेरा मतलब साउथ के हिस्से में है यहाँ दस लाख लोग रहते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर है इनका एक है अपना जिन कल्चर जिन भी है जिसका नाम है, बवेरियन है। कल्चर। बचकान जब यहाँ किसी से मिलते हैं तो सयावस कहते हैं है। इसका मतलब है हेलो बचकान कहाँ है वो खास जगह जहाँ मैं आपको लेके जाऊंगा आज ये जगह तो बहुत ही खास है यहाँ हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है इसके बारे में यह क्या लिखा है यहाँ असला बचकान बचकान इस मस्जिद का नाम महदी मस्जिद है और प्यारे हजूर यहाँ आए थे आपने इस मस्जिद का इफ्त दो हजार चौदह में किया था वाह कितनी खूबसूरत है जमीनो आसमान है खुदा का सब जहान है जमीन आसमान है खुदा का सब जहान है ये अब ये तो मुझे ठीक ठाक भूख लग रही है यहाँ के लोग ब्रेत बड़े शौक से खाते हैं आई बचकान मैं आपको ब्रेत दिखाता हूँ खिले सेवस, सेवस। सेवस। मैंने एक ब्रेडसल लेनी है ब्रेतल ये तो गर्म ताजी ताजी, ताजी बनाई है बहुत ही लजीज है ये तो मैं सारी भेत खाऊंगा, ये तो बहुत ही लजीज है कोई नहीं है भी, जरा भी अच्छा बचकान अब तो मैंने स्टेडियम जाना है।, है तो पहले ट्रेन की टिकट तो ले लेना मेरी गेम शुरू होने वाली है, है। सब आपको तो पता है ना कि मैं कितना बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी हूँ ओह ये तो ट्रेन भी आ गई है आए बच्चों, बैठते हैं। ओह ये तो बहुत जल्दी ट्रेन चल रही है हम पहुंच गए हैं। फिल बचकार, गोल, गोल, पह मैं आगे फुटबॉल देखता हूँ आप भी एंजॉय करें डॉक्टर बबनालो का गोल सिरो जजाकला मुदब्बर भाई आपने हमें डॉक्टर बबलू से मिलवा दिया है और वाकई बहुत खुशी हुई हम भी उनकी सैर में शामिल हो गए और नई नई जगहों के बारे में हमने भी सुन लिया जी बिल्कुल लेकिन फ़िलहाल प्रोफेसर साहब वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है डॉक्टर बबलू की सैर तो हमने देख ली लेकिन मुझे ख्याल आया कि अभी आपकी नसीहत रहती है अभी तक आपने हमें अपनी किताब में से कोई नई नसीहत पढ़ के नहीं सुनाई हमेशा अपनी गलतियों को याद रखें ताकि फिर वही गलती दोहराई ना जाए जजाक ला प्रोफेसर साहब इस नसीहत के साथ तो आपने हमारी तवज्जो एक बहुत ही ज़रूरी बात की तरफ़ दिलाई है क्योंकि अगर हम बेहतर होना चाहते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमने कोई गलती की थी तो वो ग़लती क्या थी ताकि वो गलती हम दोबारा ना करें भाई हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं बिल्कुल मुझ पर गए हैं वो हमारी सारी बातें बहुत जल्दी समझ जाते हैं चले मुदफ़र भाई आप जल्दी से बच्चों से इजाज़त लें क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी प्रोफेसर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा तो बच्चों अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं आपका कोई सवाल हो या कोई पैगाम हो तो ज़रूर अपने अम्मी अबू से कह के अपनी वीडियो बनवाएं और वीडियो हमें भेज दें ख्याल रहे कि वीडियो लैंडस्केप में हो और पीछे

और तब तक के लिए खुदा हाफिज और असल हाफिज। दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया यहाँ खुला है इल्म का रास्ता देखो आके खोलो पूछ के देखो पूछ के जानो दिल में क्या है बोलो इल्म बढ़ाना मेरा यार ब जिदनी इल्मा रब जिदनी इल्मा रब जिदनी इल्मा रब जिदनी इल्मा रब जिदनी इल्मा